सो हाय गाइस, तो आज की वीडियो हम सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। यार थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हें बस ये लिंक में क्लिक करना है और तुम्हें क्वेश्चन खुल जाएगा ऐसे। तो क्वेश्चन क्या दिया है मुझे मुझे कुछ एन बिल्डिंग्स मिला है, ठीक है यार, और सबका कुछ कुछ हाइट दे रखा है। कुछ का H1, H2, H3, ये सबका डिफरेंट हो सकता है, और कुछ हाइट हमें मिला है और एन बिल्डिंग मुझे मिला है। तो हमें क्या करना है, द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक एवरी बिल्डिंग हैज इक्वल लेंथ। तो मुझे जो डिफरेंट डिफरेंट हाइट का बिल्डिंग मिला था उसको सेम हाइट में बनाना है सबको, और ये कैसे हो पाएगा? दिस कैन बी डन बाय रिमूविंग सम ब्रिक्स फ्रॉम द बिल्डिंग और एडिंग सम ब्रिक्स टू द बिल्डिंग, है ना। अगर कोई बिल्डिंग छोटा हो गया है तो उसमें कुछ ब्रिक्स ऐड कर देंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, अगर कुछ बिल्डिंग बड़ा है उसमें से कुछ घटा देंगे तो छोटा हो जाएगा। तो ऐसे छोटा बड़ा करके मुझे हर एक बिल्डिंग को सेम इक्वल हाइट में करना है। पर उसके आगे क्या दिया है मुझे, रिमूविंग ए ब्रिक्स। हाँ, यहाँ पे कंडीशन आ गया कि रिमूविंग ए ब्रिक्स और एडिंग ए ब्रिक्स डन एट अ सर्टन कॉस्ट। तो कुछ कॉस्ट पे करना पड़ेगा, है ना। जब भी हम कुछ करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क, हमें तो कॉस्ट पे तो करना ही पड़ता है। तो कुछ यहाँ पे कुछ कॉस्ट मुझे दे रखा है, और मुझे क्या बोला है करने के लिए, फाइंड द मिनिमम कॉस्ट एट व्हिच। अच्छा, ये काम को हम मिनिमम कॉस्ट में कैसे कर पाएंगे ये पूछा है, कौन सा मिनिमम कॉस्ट में ये हमको कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा बोर्ड पे लेकर डिस्कस करते हैं। तो क्या दिया था मेरा क्वेश्चन, कुछ मेरे पास बिल्डिंग था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ बिल्डिंग बना देता हूँ, मान लो ये एक बिल्डिंग हो गया और ये एक बिल्डिंग हो गया, ये एक बिल्डिंग मान लो और ये एक बिल्डिंग हो गया। मान लो इसका हाइट है, ले लेते हैं, क्या ले इसका हाइट, इसका हाइट 2 ले लेते हैं, इसका 3, इसका 1, इसका 4, ठीक है। तो हमें चार बिल्डिंग यहाँ पे मिला है और इन सब का हाइट दिया हुआ है। तो ये चार ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे 4 ब्रिक्स है, तो मैं यहाँ से 4 ब्रिक्स निकाल पाऊंगा। और ये जो 2, 3, 1, ये नंबर ऑफ ब्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें और एक कॉस्ट भी दिया होगा, कॉस्ट क्या है, मान लो यहाँ पे 20, 10, यहाँ पे 20, 30, 40। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है अगर मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करूं इस बिल्डिंग पे तो इतना कॉस्ट मुझे पे करना पड़ेगा। सपोज मैं इसमें मैं 2 ब्रिक्स को ऐड करना चाहता हूँ, तो 1 ब्रिक्स का कॉस्ट मुझे दिया है, और 2 अगर करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं इसको, थोड़ा ड्राई रन करके देखते हैं कि मेरा आंसर क्या आएगा। अच्छा, क्या क्या पॉसिबल ऑप्शन मेरे पास है, या तो मैं सबका साइज 0 बना दूं, है ना, या तो मैं सबका साइज 1 बना दूं, या फिर सबका साइज 2 बना दूं, या फिर सबका साइज 3 बना दूं, या तो 4 बना दूं, नहीं तो 5 बना दूं। मेरे हिसाब से मैं जो भी कर सकता हूं, पर मुझे मिनिमम कॉस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा कि सब जो भी मैं कर रहा हूं वो मिनिमम कॉस्ट में हो पाए। तो चलो एक को सबको एक ही हाइट का बना के देखते हैं कि कितना कॉस्ट मुझे पे करना होता है सबको। अगर मैं एक ही हाइट का बनाऊं तो देखो कितने आएगा, ये हाइट, ये बिल्डिंग का हाइट है 2 और मुझे बनाना है इसको 1। तो क्या करना का पड़ेगा, मुझे इसमें से 1 ब्रिक्स निकालना पड़ेगा, और 1 ब्रिक्स का कॉस्ट यहाँ पे दिया है, तुम ऐड करो या रिमूव करो इतना कॉस्ट तो तुम्हें पे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं इसमें से मैं एक अगर मैं सबको बना दूं तो ऐसे कुछ बन जाएगा ना, सबका हाइट एक 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 का लेंथ का बन जाएगा। तो इसमें से एक मुझे निकालना पड़ेगा, तो एक मैंने निकाला ब्रिक्स, और इसका कॉस्ट कितना था, 10 रुपीज प्लस इसका था 3, और मैं बना रहा हूं 1 हाइट का, तो कितना निकालना पड़ेगा इसमें से, 2 मैंने रिमूव किया, और पर ब्रिक्स का कॉस्ट कितना था, 20 प्लस। ये देखो पहले से ही तो ये 1 है, तो इसमें से कुछ कंस्ट्रक्शन करना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं बना रहा हूं 1 का और ये है 1 का। तो इसमें से मुझे कॉस्ट कितना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, 0 कॉस्ट। यहाँ पे 4 था और मैं बना रहा हूं 1 का, ठीक है। तो कितना करना पड़ेगा, 3 तो रिमूव करना पड़ेगा, सबका कॉस्ट है 40। तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो गया, ये रहा 40, ये 120, ये रहा 10, तो 160, 170। तो अगर मैं हर एक का हाइट 1 बना देता हूं, मेरा कॉस्ट कितना आ रहा है, 170। अच्छा, 2 बना के देखते हैं कि कितना कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। 2 बनाना,
तो ये तो पहले से ही टू पड़ा है, तो इसमें से तो कुछ कंस्ट्रक्शन होगा नहीं, तो ये देगा मुझे जीरो प्लस ये था थ्री, तो वन इंटू 20 प्लस इसमें से एक आड करना पड़ेगा टू बनाने के लिए, यहाँ एक आड करना पड़ेगा, तो वन इंटू 30 प्लस इसमें से टू रिमूव करना पड़ेगा, टू इंटू 40, तो इतने ये कितना हो गया, ये हो गया 80, ये रहा 30, ये रहा 20, तो ये हो गया 130। ठीक है, तो मुझे दो हाइट बनाने से थोड़ा कम खर्चा आ रहा है, तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है मेरा। तो नेक्स्ट देखते हैं, सबको तीन तीन हाइट का बना लेते हैं, तीन हाइट का अगर इसको बनाऊं तो इसमें से एक आर करना पड़ेगा, वन इंटू 10 प्लस ये तो होगा जीरो, क्योंकि तीन हाइट का तो पहले से ही है, तो कुछ कंस्ट्रक्शन करना नहीं पड़ेगा, और इसमें से दो जोड़ना पड़ेगा, ये दो जोड़ना पड़ेगा, यहां से एक जोड़ा था, यहां से दो जोड़ना पड़ेगा, टू इंटू 30 प्लस यहाँ पे एक को घटाना पड़ेगा। ठीक है यार, तो ये हो गया 10, ये हो गया 60, ये 40, तो 110, तो ये इससे भी कम आ रहा है, तो ये भी मेरा एक सॉल्यूशन हो सकता है। और सबको चार चार हाइट का बना के देखते हैं, अगर चार बनाने हैं तो इसमें दो आड करना पड़ेगा, टू इंटू 10 इसमें एक आड करो 20 प्राइस में, इसमें तीन आड करना पड़ेगा 30 प्राइस में, प्लस इसमें से तो जीरो, कुछ भी नहीं, वो चार हाइट का था, मैं चार हाइट का बना रहा हूं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ गया 20, ये भी 20 और ये 90, ठीक है 130, ये फिर से 130 आ गया, तो इसमें से मुझे सबसे मिनिमम कॉस्ट कितना आया 110, तो मेरा हाइट ये सबको तीन तीन हाइट का बना देना चाहिए। अगर मैं तीन तीन हाइट का बना देता हूँ, इक्वल हाइट तो सबका सेम हो जाएगा और मिनिमम कॉस्ट में ही मेरा हो जाएगा। ठीक है यार, तो इससे भी कुछ क्या मतलब, चार हाइट का तक बनाए हम, क्या पांच हाइट का बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, तुम कुछ भी हाइट का बना सकते हो, पर ये ध्यान रखना है कि मिनिमम कॉस्ट में आ जाए। ठीक है, तो यार देखो ये तो हो गया एक ब्रूट फोर्स अप्रोच कि सबको वन से लेके नहीं तो जीरो से स्टार्ट कर, ये भी जीरो भी स्टार्ट कर देते हैं हमें, तो जीरो से स्टार्ट करके हाइट जहां तक जा सकता है वहां तक चेक कर लो और तुम्हें आंसर मिल जाएगा। पर क्या इससे भी कुछ बेटर अप्रोच है हमारे पास, इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करते हैं। यार देखो इसको मैथमेटिकल थोड़ा सॉल्व करने देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ में, इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो इसको रहने देता हूँ, नहीं हटा दो, थोड़ा स्पेस भी चाहिए हमें, तो इसको मैथ में कैसे फॉर्मूला बन रहा है थोड़ा देखते हैं। यार देखो मान लो मेरा बिल्डिंग का हाइट में एक्स चाहिए मुझे, जो कि सबका सेम है, यहाँ पे तीन था तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया थ्री, मतलब थ्री में सबका हाइट सेम है, तो मैं ऐसे अज्यूम कर दिया कि मेरे पास एक्स हाइट का बनाना है मुझे सबको। तो यार देखो यहाँ पे अगर मैं एक्स का हाइट का बनाऊं तो क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ये कितना छोटा या बड़ा है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा, एक्स माइनस टू, यहाँ पे अगर एक्स का वैल्यू मैं थ्री पुट कर दू, थ्री माइनस टू वन, तो यहाँ पे एक ही एक्स मुझे चाहिए था। ठीक है, और ये काम करने के लिए ये तो हो गया ब्रिज का नंबर, और ये जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए मुझे कॉस्ट कितना लगेगा, पर ब्रिक्स को लगता है 10 रुपीज, तो जितना यहां से आएगा मुझे उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या ये समझ में आ रहा है यार? यहां पे देखो ये तीन मुझे बनाना था और यहाँ पे तीन ऑलरेडी है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना आता है, थ्री माइनस थ्री जीरो, तो यहां से जब मैं एक्स उसको मान रहा हूं तो यहां से क्या लिखूंगा, एक्स माइनस थ्री, इतना नंबर ऑफ ब्रिक्स मुझे लगेगा और हर एक का कॉस्ट कितना है 20। ठीक है, और यहां पे कितना लगेगा, एक्स माइनस वन इंटू 30 प्लस यहां पे कितना लगेगा, एक्स माइनस फोर इंटू 40। यार पर यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं थ्री का वैल्यू पुट करूं, थ्री माइनस फोर आ गया माइनस वन, माइनस वन में जब ये 40 मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 40 हो जाएगा, तो क्या मेरा एक कॉस्ट कभी माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, पर ये तो हमें पता था यहाँ पे कि एक्स का वैल्यू थ्री है, तो इसलिए तो हम कैलकुलेट कर दिए, पर जब मैं इनिशियली करूंगा एक्स का वैल्यू तो मुझे पता नहीं होगा,
तो ये कैसे इंश्योर करूंगा कि हर हर बार मुझे जो कॉस्ट मिल रहा है वो पॉजिटिव भी मिलना चाहिए? ये कैसे इंश्योर करूंगा कि मैं सबको मर्ड कर दूंगा, ये क्वांटिटी मेरा जो नेगेटिव आ रहा था ये सबको मैं मॉड में ले लूंगा। अगर मैं मॉड में कर देता हूं तो मॉड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, और पॉजिटिव जब ये कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा वो भी पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। तो इस तरह मैं नेगेटिव केस को हैंडल कर सकता हूँ। तो यार ये देखो थोड़ा क्या लिखा है हमने, सब में ये हर एक टर्म पे ये एक्स तो है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता, ऐसे लिख सकता हूँ, ये है समेशन ऑफ, हम यहाँ पे सम ही तो किए हैं, किसका सम किए हैं, एक्स माइनस, और ये 2 3 1 4 ये क्या था, क्या था ये बिल्डिंग का हाइट था। तो क्या मैं इसे इससे बोल सकता हूँ कि हाइट ऑफ बिल्डिंग एच आई, एच आई क्या होता है, फर्स्ट बिल्डिंग का हाइट, सेकेंड बिल्डिंग का हाइट, थर्ड बिल्डिंग का हाइट, जैसे जैसे मैं आई का वैल्यू चेंज करता रहूंगा ये पहले मुझे मिलता रहेगा, और इसका हो गया मॉड, यहाँ पे हम मॉड लेके लिखा है, और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 20 30 40, ये क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कॉस्ट मुझे गिवन था सी ऑफ आई। तो क्या ये समझ में आ गया कि फॉर्मूला मेरा क्या बन रहा है, ये हो जाएगा मेरा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है ना, ये टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बन गया। अगर इसका मैं मिनिमम फाइंड आउट कर दूं तो वही तो होगा मेरा आंसर, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल कॉस्ट को। अगर इसमें से या इसमें से मुझे एक मिनिमम वैल्यू मिल जाए तो उसी को मैं बोलूंगा कि मिनिमम कॉस्ट है मेरा, और वही होगा मेरा आंसर। तो देखते हैं इसका मिनिमम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यार देखो मॉडुलस फंक्शन तुम्हें पता होगा सबको, मॉडुलस फंक्शन कैसे होता है, इस तरह का कुछ होता है मॉडुलस फंक्शन, ये होता है एक्स मॉडुलो, है ना, ये तो तुम्हें पता होगा, ये होता है मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। पर मुझे ये इक्वेशन क्या मिला है, एक्स माइनस एच का मॉड। तो अगर मैं एक ग्राफ में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं तो उसका ओरिजिन थोड़ा शिफ्ट हो जाता है एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो यहां पे हम एच को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहां से ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे कुछ बन जाएगा, ऐसे कुछ बनेगा मेरा, ये हो गया एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये ग्राफ थोड़ा इस तरफ आ जाएगा, एच यूनिट आ जाएगा यहां, ठीक है यार, ये हो गया एक्स माइनस एच का मॉडुलो। और अगर इसमें से यहां से कुछ मैं मल्टीप्लाई करूं, ये ग्राफ मुझे मिल गया, अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई करूं तो ग्राफ कैसे बनता है, थोड़ा अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है ना। तो यहां कैसे ग्राफ मुझे मिलेगा, ये रहा मेरा ओरिजिन, तो यहां पे कुछ इस तरह मिलेगा, थोड़ा अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया मुझे एक्स माइनस एच का मॉड इंटू सी आई, ये यहाँ पे एच आई था, ठीक है। तो ये ग्राफ देख के कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें, मिनिमम पूछा है, इक्वेशन मिला है, और मुझे ये ग्राफ दिख रहा है, क्या समझ में कुछ आ रहा है? देखो ये किस तरह का ग्राफ है, ये एक यूनि मॉडल है, यूनि मॉडल, यूनि मॉडल ग्राफ हम किसको बोलते हैं, जिसका एक ही मिनिमा या एक ही मैक्सिमा हो उसका हम बोलते हैं यूनि मॉडल। तो यहाँ पे एक ही मिनिमा है और एक ही बार डिक्रीज हुआ एंड एक ही बार इंक्रीज हुआ, तो इस टाइप का ग्राफ को बोलते हैं मोनो यूनि मॉडल, ठीक है। अगर मुझे एक यूनि मॉडल फंक्शन गिवन है और मिनिमम एंड मैक्सिमम मुझे पूछा है, तो ये केस में हम क्या यूज कर रहे थे, टर्नर रिसर्च। पिछले दो वीडियो में हमें डिटेल में डिस्कस किए थे कि मिनिमम कैसे फाइंड आउट करना है, पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए थे, फिर क्वाड्रेटिक बाय साइन का लिए थे, तो सब ये समझाने के लिए मैं कर रहा था कि कैसे आप उसको पहचान पाओ। यहाँ पे एक यूनि मॉडल मिला है और मुझे मिनिमम एंड मैक्सिमम मिला है, तो मुझे यहाँ पे टर्नर रिसर्च यूज करना चाहिए, और टर्नर रिसर्च के लिए क्या क्या कंडीशन था, क्या क्या मुझे चाहिए था टर्नर रिसर्च के लिए, एक तो चाहिए था इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन, एक तो चाहिए था इक्वेशन। तो इक्वेशन मेरा यहाँ पे क्या बन रहा है, इक्वेशन ये इक्वेशन था मेरा एक्स माइनस एच आई इंटू सी आई,
और इसका सॉल्व। इक्वेशन मेरे पास था x माइनस एच आई का मॉड इंटू सी आई, ठीक है। और ये देखना था मुझे यूनिमॉडल है या नहीं, तो ये यूनिमॉडल है, ये यूनिमॉडल है, तो इसमें से हम टर्नरी यूज कर सकते हैं। और पूछा क्या क्या है, मिनिमम मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए। और एक चीज जरूरी था मेरा, लेफ्ट एंड राइट का रेंज। तो यहां पे सोचो जरा, लेफ्ट एंड राइट का रेंज क्या होगा, ये किसका रेंज, एक्स का रेंज, इस एक्स का रेंज कहां से कहां तक हो सकता है। तो एक्स क्या है मेरा, एक हाइट ही तो है ना, एक्स क्या, पहले हम एक्स को क्या अज्यूम किए थे, कितने हाइट का हमें बनाना है, तो एक का हाइट कहां से कहां तक हो सकता है, ये जरा क्वेश्चन को देखो। यहाँ पे एच का हाइट 0 से लेके 10,000 तक वैरी कर रहा है, तो मेरे एक्स का हाइट कितना हो जाएगा, इतना ही तो होगा, हाइट जितना है उतना ही तो होगा उसका रेंज, तो ये 0 से लेके 10,000 तक वैरी कर सकता है। तो मुझे लेफ्ट एंड राइट, ये हो जाएगा मेरा लेफ्ट, ये हो जाएगा मेरा राइट, लेफ्ट एंड राइट मिल गया, यूनिमॉडल मिल गया, इक्वेशन मुझे मिल गया, तो इसके बाद क्या टर्नरी सर्च यूज करना है। तो यहां तक था क्वेश्चन, इसके बाद तो टर्नरी सर्च। अगर आपको टर्नरी सर्च इंप्लीमेंट करने में कुछ दिक्कत हो रहा है तो आपको पहले दो वीडियो देख के आना चाहिए। तो मैं यहाँ सीधा टर्नरी सर्च का कोड ही लिख रहा हूँ। तो क्या क्या मुझे गिवन था यहाँ पे इनपुट, कुछ टी टेस्ट के लिए मुझे चलाना है, और एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ बिल्डिंग कितना है, और उसके बाद बिल्डिंग का हाइट मुझे मिलेगा और बिल्डिंग का कॉस्ट मुझे मिलेगा। तो दो वाले तो बनाना पड़ेगा, पहले तो स्कैनर बनाते हैं, इसको कर दो मैक्सिमाइज स्कैनर। तो स्कैनर मैंने बनाया न्यू स्कैनर से सिस्टम, ठीक है स्कैनर हो गया। उसके बाद क्या दिया था मुझे, टेस्ट केस चाहिए था, इस डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है टेस्ट केस मिल गया। टेस्ट केस जब तक, जितना टेस्ट केस है उतने तक हम ये काम करेंगे, ठीक है। और क्या इसके बाद क्या मिला था मुझे, एक तो एन मिला था कि नंबर ऑफ हाउस कितना है, तो एन को ले लेते हैं इस डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है एन हो गया। और इसके बाद मुझे एक आरे में पूरा हाइट मिलेगा, सबका हाइट और सबका कॉस्ट मिलेगा, तो एक का आरे बनाते हैं, किसका बनाए, डबल बनाते हैं, लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग ऑफ हाइट न्यू लॉन्ग एन और लॉन्ग कॉस्ट भी मुझे चाहिए, ठीक है हो गया। और इनपुट लेते हैं फॉर लूप से, जैसे आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, हाइट ऑफ आई इक्वल टू, ओके ये हो गया हाइट। तो मुझे सेम कॉस्ट के लिए भी करना है, ये हो गया कॉस्ट। अगर हाइट एंड कॉस्ट मुझे मिल गया तो उसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट एंड राइट डिसाइड करेंगे। तो लॉन्ग लेफ्ट क्या हो जाएगा 0, और लॉन्ग राइट हमने क्या डिसाइड किया था लेने के लिए 10,000, ठीक है हो गया। उसके बाद क्या करना था मुझे, जब तक मेरा लेफ्ट एंड राइट आसपास नहीं आ जाते तो तब तक ये काम करेंगे, व्हाइल लेफ्ट लेस देन राइट। और काम क्या था मेरा, टर्नरी सर्च क्या था, पहले तो मुझे एम वन फाइंड आउट करना है, एम वन कैसे मिलता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई थ्री, और एम टू कैसे मिलता है मुझे, आर माइनस ये मिल जाएगा मुझे एम टू, ठीक है। एम वन एम टू मिलने के बाद क्या मिलना था मुझे, वहां पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, एम वन पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू कितना है, एम टू पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू कितना है,
और फंक्शन मेरा क्या था, फंक्शन मेरा यहां पे क्या बन रहा था, फंक्शन बन रहा था x माइनस एच इंटू सी। तो ये फंक्शन का वैल्यू के लिए और एक फंक्शन बना देते हैं, पब्लिक, मैं इसको फंक्शन नाम दे रहा हूं। और ये मुझे क्या क्या इनपुट में लेगा, एक तो एक्स का वैल्यू इनपुट लेगा कि कहां पर मुझे कौन से वैल्यू पर मुझे फाइंड आउट करना है। था क्या मेरा फंक्शन, ये देखो फंक्शन मेरा था, ये था मॉड ऑफ एक्स माइनस एच इंटू सी। ठीक है, इसको ले लेते हम सी आई, इसको ले लेते एच आई। ठीक है यार, ये था मेरा फंक्शन। तो ये तो मुझे एक्स से वैल्यू चाहिए कि कौन सा पॉइंट में, और हाइट भी चाहिए, एच आई सी आई भी चाहिए ना। तो हाइट चाहिए, हाइट क्या है, एक लॉन्ग आ रहे, लॉन्ग आ रहे एंड कॉस्ट, ये भी एक लॉन्ग आ रहे। ठीक है यार, ये इनपुट में आ गया। और मुझे क्या फाइंड आउट करना था, एक पर्टिकुलर हाइट में अगर मैं सबको सेम बना दूं तो कितना प्राइस मुझे देना पड़ेगा, कितना कॉस्ट मेरा होगा। अगर सबको तीन हाइट में बनाना है तो कितना कॉस्ट मुझे देना पड़ेगा। तो इसको स्टोर करने के लिए एक तो पहले लेते हैं सम इक्वल टू जीरो, इसमें हम टोटल कॉस्ट को सेव करेंगे। और हर एक बिल्डिंग के लिए मुझे सबको ट्रैवल्स करना पड़ेगा, तो फॉर लूप लगाते हैं इंटीजर आई इक्वल टू जीरो, आई डॉट लेंथ। तो मैं हाइट में लूप लगाया एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, और मुझे सॉम कैसे मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट कितना मिलेगा कि हर एक को उस हाइट में बनाने के लिए कितना मुझे खर्चा होगा, एक्स माइनस एच आई हाइट, हाइट ऑफ आई इंटू कॉस्ट ऑफ आई। तो ये तो हो गया हमारा कॉस्ट। पर अभी अभी हमने डिस्कस किए थे कि ये नेगेटिव हो सकता है, ये जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव हो सकता है जब एक्स का वैल्यू छोटा हो जाए और बिल्डिंग का वैल्यू बड़ा हो जाए। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने मॉड लिए थे, मैथ डॉट एबीएस। तो इसका हम एबीएस वैल्यू ले लेंगे और उसको कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, रिटर्न कर देंगे सब। ठीक है, तो ये फंक्शन मेरा हो गया। तब यहां चलते हैं, तो M1 वे फंक्शन के वैल्यू ढूंढते हैं, लॉन्ग कॉस्ट 8 M1 इक्वल टू, फंक्शन को पास कर दो M1 का वैल्यू, हाइट पास कर दो, कॉस्ट दे दो। ठीक है, ये मुझे कैलकुलेट करके दे देगा M1 पे कितना वैल्यू मेरा बन रहा है। और ऐसे ही सेम मैं किसके लिए करूंगा, M2 के लिए, M2 में कितना वैल्यू मिल रहा है। तो ये अगर हो गया, इसके बाद हम टर्नर सर्च में क्या लगा रहे थे, तीन कंडीशन लगा रहे थे, या तो सी ऑफ M1 बड़ा होगा सी ऑफ M2 से, या फिर else if सी M1 छोटा होगा सी M2 से, या फिर दोनों बराबर होंगे। अगर else पार्ट में आ रहा है ये दोनों सेम है, जब दोनों सेम होते क्या करते हैं हम, लेफ्ट को उठा के मिड वन तक लाते हैं, राइट को उठा के मिड टू तक लाते हैं। ठीक है, अगर ये फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हें पास वीडियो देखना चाहिए, प्लस वन राइट इक्वल टू M2 माइनस वन। तो यहाँ पे प्लस वन माइनस वन क्यों कर रहे हैं यार, देखो मैंने पहले तीन लेंथ का, मान लो मैं हर एक हाइट का बिल्डिंग का हाइट तीन बना रहा हूं, मेरे तीन में अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, दो के लिए ट्राई करूंगा ना, तो एक घटाना पड़ेगा। तो ये मैंने इसीलिए एक यहाँ पे ट्राई कर दिया। और अगर राइट में है तो राइट में से माइनस माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर सी M1 यहाँ पे बड़ा आ रहा है तो लेफ्ट को घटाना होगा, तो लेफ्ट को करना होगा M1 प्लस वन। और अगर ये बड़ा आ रहा है, M2 अगर बड़ा आ रहा है तो इसके पार्ट राइट को जाके M2 में रखना होगा माइनस। ठीक है, ये हो गया। जब ये लूप टर्मिनेट होगा तो लेफ्ट एंड राइट आसपास होंगे और उसी से मेरा मिनिमम मिल जाएगा। तो लॉन्ग मिनिमम कैसे आएगा, फिर से फंक्शन को कॉल करो, और अभी लेफ्ट एंड राइट एक ही पोजीशन में होंगे, तो लेफ्ट को मैंने कर दिया
लेफ्ट में मैंने हाइट एंड कॉस्ट का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया, और इसको कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मिनिमम को प्रिंट कर दो। ठीक है, कोड तो सही लग रहा है, देखते हैं रन करके कुछ कंपाइलेशन एरर। तो चल रहा है कोड, सबमिट करते हैं इसको लेके, सबमिट। सबमिट करते हैं जावा। और ये रहा सबमिट। तो एक्सेप्ट हो रहा है, तो उम्मीद करता हूं कि ये तुमको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में और कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।